नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी उत्तम स्टडी में। दोस्तों, मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस वीडियो पे क्लिक किया है तो लास्ट तक देखिएगा, वरना आप लोग भी ठगे जाइएगा। हेलो हेलो, अंजू कुमारी बात कर रहे हैं आप? अंजू यस। हेलो, अंजू कुमारी बात कर रहे हैं बेटे? अंजू कुमारी तो नहीं, अन्नू बोलो बोल रहे हैं। अच्छा, आप अन्नू कुमारी बात कर रहे हैं। आपका उनका फादर नेम नाम हो गया राजेश राज। हाँ हाँ। कुमकुम देवी उनका माता के नाम हो गया। हाँ। अच्छा अच्छा, आपने बेटे जो इंटर को एग्जाम दिए थे, आप आर्ट से दिए थे बेटे? हाँ, आर्ट से दिए थे। अच्छा अच्छा, आप बहादुरपुर जिले से बात कर रहे हो? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आप अपना रोल कौन मैच कर सकते बेटे? आपका काफी हमारे पास आए हुए बेटे पटना बोर्ड ऑफिस। अच्छा, तो रोल कोड मेरा क्या है बताइए आप? 7704। 7704। हेलो। हेलो, हाँ सर, वही नंबर है। आप रोल नंबर 0370। हाँ, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया 7704640600। हाँ, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया ना बेटे? हम रजिस्ट्रेशन नंबर तो मेरा याद नहीं है, हम अब देखेंगे तब ना। दो मिनट रुक जाइए, कोई बात था क्या? आपका जो यहाँ पर बेटे हम सही किए जा रहे हैं बेटे, बात कर रहा हूँ बेटे, आप पास करना चाहते तो आपको फर्स्ट डिवीजन लगी बेटे, आपको फादर दिए जाते हैं। हाँ, तो हम फर्स्ट डिवीजन है, ठीक है, लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन हम पास करने के बाद ही देंगे। ऐसा बोलो, आपको आज के डेट में आपका अपना फोटो फिर से आपको लिंक मिलेंगे, उस पर आप चेक कीजिए अपना रिजल्ट, खुद अपना ही चेक करना, किसी अन्य का डेट मत चेक करना, ठीक है? सुनिए ना, क्या चीज? हम पास करने के बाद आपको 8000 रुपया देंगे, लेकिन पास करने के बाद ही। ठीक है, अपना रिजल्ट चेक करना क्या महीना को, ठीक है? अभी आप नहीं कर रहे हैं? नहीं तो हम क्लिप करेंगे आपको, आप क्या कहें कि बात कर जाएंगे उसका बाद पैसा देंगे? आइडिया 2000 मिलेगा तो क्या तुम मुझे देगा? नहीं, हम आपको नहीं देंगे, हम आपको क्या बोल रहे हैं, पास करने के बाद ही तो दे सकते हैं हम आपको। अभी हम बार में आपको जो पटना बोर्ड ऑफिस से मिलेगा के आपको मिलेगा लिंक है, उस पर आप चेक कर सकते हो अपना रिजल्ट, ठीक है? लिंक हमको भेजिएगा तो अभी इसी नंबर से व्हाट्सएप चलता है। व्हाट्सएप चलते हैं बेटे, आप पहले पेमेंट करवाओ बेटे, आप तो जो आज के डेट में आपको पटना बोर्ड ऑफिस आने पड़ेंगे, पेमेंट लेके 5000 रुपया तब आपको यहाँ से लगभग बनेंगे बेटे, ठीक है बेटे? पटना बोर्ड ऑफिस आना होगा हमको। यस यस, आप भागलपुर जिले से बात कर रहे हो? हाँ हाँ, भागलपुर जिले से ही बात कर रहे हैं। भागलपुर जिले वाले को 4 घंटे टाइम दिए जाते हैं बेटे, खगड़िया जिला वाला तो 5 घंटे दिए जाते हैं, नहीं आते हैं बेटे तो आप यहाँ से कटनी जाएगी। आप सुनिए ना, तो हम अभी आपको ऐसे मतलब 4 घंटे में जाना वहाँ पे। ऐसे ऐसे ऐसे, आपको मेरे अंकल एक रहते हैं पटना में, ठीक। हाँ, तो हम उनसे आपका बात करवा देते हैं। आप मत करवाइए, बात खुद ही कर लीजिए, मेरा नंबर ही दे दीजिए। नंबर दे दें आपका? ठीक है, नंबर दे दीजिए, बात कर लूँगा। हाँ, जो आपको ट्यूशन चार्ज लगते हैं 5000 रुपया, आप लेके आइएगा पटना बोर्ड ऑफिस। ओके ठीक है, हम बात कर लेते हैं उनसे, ठीक है। बिहार में साइबर ठग इंटर और मैट्रिक की परीक्षा समाप्त होते ही किस तरह सक्रिय हो गए हैं, यह आप इस वॉइस रिकॉर्ड से समझ सकते हैं। दरअसल साइबर ठग इंटर और मैट्रिक के परीक्षार्थियों को परीक्षा पास कराने के नाम पर पैसे की डिमांड मोबाइल फोन के जरिए कर रहे हैं और बहुत लोग इनके झांसे में भी आ जाते हैं, इसलिए हमारा चैनल आप सभी से साइबर ठगों से बचने की अपील करता है। बिहार शिक्षा बोर्ड का नाम लेकर साइबर ठग के द्वारा भागलपुर के सुल्तानगंज मुरारका कॉलेज की इंटर की परीक्षा देने वाली छात्रा अन्नू को फोन किया गया और इंटर परीक्षा पास कराने को लेकर 5000 रुपए की मांग की गई और पैसा नहीं दिए जाने की हालत में फेल होने की बात कही गई। 9144948567 नंबर से फोन करने वाले शख्स ने खुद का नाम मिस्टर सुधान पाल बताया और कहा कि वह बिहार बोर्ड हेड ब्रांच से बोल रहा है। अब सवाल यह है कि जब कॉपी की जांच अभी तक शुरू भी नहीं हुई है तो छात्र छात्राओं का सारा डिटेल्स किस तरह साइबर ठग के पास पहुंचा, यह बिहार बोर्ड को भी सवाल के घेरे में लाती है। हालांकि हमारा चैनल इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, आइए आपको सुनाते हैं वो ऑडियो क्लिप। आप कौन बात कर रहे हैं जी? हम वहाँ से बोल रहे हैं सर, भागलपुर से।
अच्छा भागलपुर से बात कर रहे हैं आप? जी जी जी। मैं पटना बोर्ड ऑफिस से नहीं बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आप कौन बात कर रहे हैं? आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ सर। अभिषेक कुमार बात कर रहे हैं आप? जी। आपने इंटर एग्जाम दिए थे बेटे? जी जी जी। आपका जो क्रॉस लगे हुए थे बेटे, इसलिए उनका पास फोन किए थे बेटे, अभिषेक कुमार के पास। हाँ हाँ, मैं पटना बोर्ड ऑफिस से नहीं बात कर रहा था बेटे। अच्छा अच्छा, बोलिए सर। आपका जो क्रॉस लग रहे हैं बेटे, जो हिंदी और बेटे फिजिक्स में आपका क्रॉस लग रहे हैं बेटे। सर मैंने ये पूछना चाहते थे सर हम, ठीक है? क्या चीज़? जैसे मेरा ये जो क्रॉस है तो कैसे ठीक होगा सर? तो आपको पटना बोर्ड ऑफिस आने पड़ेंगे बेटे, जो फर्स्ट डिवीजन के आपको लग जाते हैं, कुछ खर्च लग जाते हैं बेटे। क्या खर्च लग जाएंगे? फर्स्ट डिवीजन के 5,000 रुपये लग जाते हैं, सेकेंड डिवीजन के 25,000 रुपये लग जाते हैं। क्या खर्च लग जाएंगे सर? फर्स्ट डिवीजन के 25,000। हेलो, कितना लगेंगे सर? फर्स्ट डिवीजन के 5,000 लग जाएंगे बेटे आपको। 5,000 रुपया लगेंगे सर फर्स्ट डिवीजन को, सेकेंड डिवीजन को 25,000 रुपये लगेंगे आपको। अच्छा, नहीं सर हम ये पूछना चाहते थे सर कि जैसे कि बाद में देंगे तो नहीं होगा सर? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ा होता बेटे, ऐसा होता तो बेटे काम नहीं किया जाता बेटे। आप अगला सर पास कर लेंगे, ठीक है? अच्छा सर, आपका अकाउंट नंबर तो मिल सकता है सर जिसमें ट्रांसफर करेंगे? यस यस, मेरा जो सैलरी अकाउंट होती है उसको आप किस पे भेजेंगे सर पैसा, बोलिए बताइएगा तब ना। क्या थी? पैसा जो भेजना है किस पे भेजना है पैसा? आप किसी चीज से पेमेंट करवाइए, किस चीज से पेमेंट करवाते हैं आप? सर हम तो गूगल पे चलाते हैं। अच्छा अच्छा, तो आपको जो यहाँ पर मार्क्स यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं पटना बोर्ड ऑफिस से, क्या बोले सर? आप जितनी जल्द आप जितना ही जल्द पेमेंट करवाइए, आपको पटना बोर्ड ऑफिस से आपको जो लिंक मिलेंगे, आप अपना रिजल्ट आज के डेट में चेक कर सकते हो। तो अभी हम सर भेजेंगे किस पे पैसा, ये तो बताइएगा तब ना सर। मेरा जो सैलरी अकाउंट मिलेगी मिस्टर सुधांश पाल के नाम से, आपको मेरा जो सैलरी अकाउंट होते है ना बेटे? हाँ हाँ, वो आपको अभी भेजते बेटे। ठीक है, भेज दीजिए सर। आप कितना पेमेंट करवाते हो सर? कितना बोले? 5,000 ना सर आप? फर्स्ट डिवीजन के 5,000 रुपये लगते हैं, सेकेंड डिवीजन के 2,500 रुपये बेटे। नहीं सर, हमको फर्स्ट डिवीजन ही करना है सर। अच्छा, कितने देरी में पेमेंट हो जाएंगे आपसे? सर आप एक और नंबर भेजिए, हम कर देते हैं सर। ठीक है बेटे, ओके। हेलो, आपको मैसेज मिल गया? मैसेज कहाँ मिला है सर आपका? मेरा जो सैलरी अकाउंट पे होती है, मैसेज आपको पास चल गए हैं, आप चेक कीजिए। किस पे आया होगा सर? व्हाट्सएप पे? मैसेज में गया, मैसेज में। मैसेज में नाम से होगा सर खाता? सुधांश पाल, मिस्टर सुधांश पाल। ठीक है सर, ये पास तो हो जाएंगे ना सर? आपका अभी तुरंत रिजल्ट चेक कीजिए, ठीक है? आप पेमेंट करवाइए, जो पटना बोर्ड ऑफिस से आपको लिंक मिलती है, खुद अपना ही चेक करना, किसी अन्य कैंडिडेट को मत चेक करना, ठीक है बेटे? ठीक है ठीक है। और ये बोलना चाहते थे सर, एक लड़का और है सर, इसका भी चेक करवाना था सर, हो जाएगा? पहले अपना करवाओ, अपना पहले कंफर्म हो जाओ बेटे, ठीक है? ठीक है ठीक है, आप पेमेंट करवा के दोबारा बैक कॉल करो, ठीक है बेटे? ठीक है ठीक। तो आप लोगों ने सुना, इस तरह से कॉल करके ठगने का प्रयास किया गया था और आखिरकार ठगी करने वाला जो कि सफल रहा, कल जा करके आप लोगों के पास भी कॉल आता है, इस तरह से बात किया जाता है, तो आप लोगों को एक भी रुपया जमा नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि इन लोग काफ़ी प्यार से बात करते हैं, ठीक है? आप लोग खुद देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स किस तरह से देने के लिए यहाँ पर पैसे देने के लिए तैयार हो गया, ठीक है? आप लोग केवल ए बोलिए कॉल आता है तो, कि हमारा दोस्त का भी नंबर बढ़ाना है। हमारा तो नंबर बढ़ेगा ही, हम पैसा देंगे, लेकिन हमारा दोस्त को भी बढ़ाना है, तो उस स्थिति में बहुत प्यार से उन लोग बोलेंगे कि पहले खुद बढ़ा लीजिए नंबर, उसके बाद स्टूडेंट्स को बढ़ाना है, ताकि लगे कि नहीं ये सही है। आप लोगों को हर एंगल से लगेगा कि ये सही है, लेकिन बिल्कुल ये फेक रहता है, ठीक है? आप लोगों को एक भी रुपया जमा नहीं करना है। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।